हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे डिस्क की प्रॉब्लम के बारे में। डिस्क हमारा मेन टॉपिक है आज। डिस्क की प्रॉब्लम, इसे हम हर्निएटेड डिस्क भी बोल सकते हैं। हमारी डिस्क में 33 वर्टीब्राज होते हैं, 33 कोशिकाएं होती हैं, जिसे सहारा देने के लिए एक रबर जैसी गद्देदार डिस्क रहती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को सहारा देती है और फ्लेक्सीबल बनाने का काम करती है। हमारी रीढ़ की हड्डी में दो पार्ट होते हैं, एक इनर पार्ट और एक आउटर पार्ट। जो इनर पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है और जो आउटर पार्ट होता है वो हार्ड होता है। जब आउटर पार्ट में कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है तो इनर पार्ट से एक द्रव निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस भी बोल सकते हैं। डिस्क की प्रॉब्लम आमतौर पे 30 से लेकर 40 साल की उम्र में देखने को मिलती है, और जब 40 से 50 साल की एज के लोग हो जाते हैं उनमें हम ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और एक डिस्क तीन तरह की होती है। डिस्क एक होती है सर्वाइकल डिस्क। सर्वाइकल डिस्क क्या होती है? सर्वाइकल डिस्क मोस्टली C5, C6 और C7 में देखने को मिलती है, जिससे हमारी गर्दन में दर्द आना शुरू हो जाता है और हमारी दोनों आर्म्स में पेन आना शुरू हो जाता है और दोनों आर्म्स सुन्न होनी शुरू हो जाती हैं। एक होती है थोरैसिक डिस्क। थोरैसिक डिस्क क्या होती है? जो हमारे गर्दन से लेके हमारे या सेंटर पार्ट से लेके हमारे हिप्स से लेकर नीचे तक पेन जाता है, उसे हम थोरैसिक डिस्क बोलते हैं। और एक होती है स्पाइन डिस्क, जिसे हम L4, L5, S1 भी बोल सकते हैं, जो सेंटर पार्ट से लेके हमारे दोनों हिप्स में पेन आता है, हिप से लेके हमारे दोनों थाइस में पेन आना शुरू हो जाता है, हमारे फिर काफ में पेन आना शुरू हो जाता है, जिसे हम पिंजनी बोलते हैं, और यहाँ से लेके निचला हिस्सा सुन्न होना शुरू हो जाता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर सप्लाई नहीं करता, उसकी वजह से हो जाता है। आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है? सावधानियाँ बताऊँगा मैं आपको। एक तो आपने स्टेयर नहीं चढ़नी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, और आपने वेट नहीं उठाना, झुकना नहीं है, ज़्यादा देर तक आपने बैठना नहीं है। अगर आप बैठने का काम है, आपका कंप्यूटर पे काम है या आप कोई वर्किंग आपका बैठने का कोई वर्क है, तो सिटिंग वर्क है, तो आपने ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है। थोड़ा सा उठ के आप वॉक करके भी आ सकते हो, 5-7 मिनट 10 मिनट आके फिर आप आके बैठ सकते हो। बहुत लोगों की है, अभी कंप्यूटर का काम करते हैं लोग, तो वो थोड़ा सा ऐसे करें, थोड़ा सा बैठ के फिर उठ जाएं, उठ के थोड़ा सा वॉक करके वापस आके वो बैठ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है एक मोटापा। अगर आप में मोटापा है तो पहले आप अपने मोटापे को कंट्रोल करें, डाइट पे कंट्रोल करें, थोड़ी सी वॉक करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। मोटापा भी बहुत बड़ा कारण है जो हमारी डिस्क की प्रॉब्लम को आगे जाके बढ़ाता है। और एक कारण है, झुकना नहीं है आपने, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी और उकड़ू नहीं बैठना। बहुत से लोग होते हैं उकड़ू बैठते हैं तो उनमें दोनों टांगे सुन्न होनी शुरू हो सकती हैं। अगर आप उकड़ू बैठोगे तो टांगे आपकी सुन्न होनी शुरू हो जाएंगी। और मोस्ट कोशिश करें आप अपने खान पान में ध्यान रखना है, आपकी डाइट को कंट्रोल में लेकर आना है। जो आपका फूड है, डाइट है, उसमें आपने बैलेंस करना है। आपने अपनी डाइट में से आलू, चावल, लस्सी, दही, अचार, ये चीज़ें बिल्कुल रिमूव कर देनी है। मेरा मतलब है खट्टी और बे वाली चीज़ें हैं जो, वो आपने बंद करनी है। आपने अपनी डाइट में क्या ऐड करना है? विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई को ऐड करना है। जैसे आप अपने बनाना ऐड कर सकते हो, मिल्क ऐड कर सकते हो, फिश ऐड कर सकते हो, टमाटो ऐड कर सकते हो, ऑरेंज ऐड कर सकते हो, एप्पल खाओ आप, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ और फ्रूट्स खाओ आप, ये आप अपनी डाइट में ऐड करो। और फास्ट फूड और जंक फूड, ऑयली फूड बिल्कुल ही बंद करना है आपने, ये बिल्कुल भी नहीं करना, ऑयली फूड, जंक फूड और फास्ट फूड। और ट्रैवल, बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं, डिस्क की प्रॉब्लम जिनको होती है वो थोड़ा सा अपना प्रेस करें ट्रैवल से। लाइक आपने बस पे बिल्कुल भी नहीं जाना, बस पे झटके पड़ते हैं, झटकों से हमें बचना है। अगर आपने ट्रैवल करना है, लंबे रास्ते के लिए ट्रैवल करना है, आपने लंबा रास्ता जाना है, तो आप ट्रेन पे जाएं, ट्रेन का इस्तेमाल करें, बस का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, कुछ भी आप चलाते हो, तो आपको स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखना है और आपने जो खराब रोड होते हैं वहाँ से बिल्कुल आराम से जाना है। झटका ना पड़े आपकी डिस्क की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको अगर झटका पड़ेगा तो। और आपको ध्यान रखना है, आपने वेट नहीं उठाना, ज़्यादा हैवी वेट नहीं कैरी करना। बहुत से लोग होते हैं जो जिम में स्क्वाट की एक्सरसाइज लगाते हैं, डेड लिफ्ट की एक्सरसाइज लगाते हैं, आपको उन एक्सरसाइज का प्रेस करना है, हैवी वेट आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो स्पोर्ट्स करते हैं, कबड्डी करते हैं, कबड्डी के प्लेयर्स भी आते हैं, रेसलिंग के भी आते हैं, उनके झटका पड़ जाता है स्पोर्ट्स से,
तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। डिस्क की प्रॉब्लम जो है वो बिना सर्जरी के ही आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम है, आप हमसे एनी टाइम जब मर्जी आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और आगे जाके हम बहुत सी वीडियोस लेकर आएंगे जो हम स्पेशली सर्वाइकल के लिए भी बनाएंगे, शोल्डर के लिए भी बनाएंगे, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी आपको वीडियोस लेकर आएंगे। और नीचे पैरों में जो दिक्कत जाती है, पैरों में सुन्नापन आता है, भारीपन आता है, उन सब के रिलेटेड हम एक्सरसाइज बताएंगे आपको, आपको वीडियोस बताएंगे। अभी मैं आपको 4 एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगा जो आपने घर पे बैठ के भी आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो। मेरी वीडियो में लास्ट में आपको वो एक्सरसाइज मिल जाएगी, आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। हमारा चैनल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। बहुत से पेशेंट होते हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस दिक्कत में जूझ रहे हैं, उन तक हमें हमारी वीडियो जानी चाहिए ताकि उनका भला हो सके, उनको हेल्प मिल सके, उनका इलाज हो सके। हम जहाँ पे कोई MRIs नहीं करवाते, कोई टेस्ट नहीं करवाते। अगर आपके पास पुरानी MRI रिपोर्ट है, पुराने टेस्ट हैं, तो वो भी आप लेकर आ सकते हो। आई होप गाइज आपको वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलो हम पेशेंट से बात करते हैं। सर आप पहली बार कब आए थे हमारे पास? 45 डेज पहले। क्या दिक्कत थी आपको? डिस्क की प्रॉब्लम थी। पैरों में भी दिक्कत जाती थी आप? पैरों में सुन्नापन आता। ठीक है, आप कहाँ से आए हो? बिहार से आए हो। पहले से अब कितना फर्क है आपको? 80-90% आप बिल्कुल ठीक हो। आपको वहाँ पे डॉक्टरों ने क्या एडवाइस दी थी? सर्जरी करवाओ या ऐसा कुछ बताया था? ऑपरेशन के लिए बोला। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे हो? ऐसे जैसे ये पेशेंट बिहार से आए हैं हमारे पास, ये पेशेंट ठीक हो गए हैं, ऐसे आप भी ठीक हो जाओगे। आप बस एक तो आपने सावधानियाँ यूज़ करनी है जो मैंने आपको बताई हैं, डाइट पे कंट्रोल करना है, और आपने हमारे पास आना है, आपको हमारा इलाज मिलेगा, और हम कोई बाहर टेस्ट नहीं करवाते, कोई आपका फालतू खर्चा नहीं करवाएंगे। आप आइए, विजिट करिए हमारे हॉस्पिटल में। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, हमारी साइट भी है www.chiragdeenmalik.com। हमारा हॉस्पिटल बठिंडा में है, हनुमान चौक माता रानी गली बठिंडा पंजाब। ये पहली एक्सरसाइज है, इसके 10 के 3 सेट लगाने हैं, 10 रेपिटेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, होल्ड करना है 5 सेकंड, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है, होल्ड करके रखना 5 सेकंड, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है, होल्ड करना है, फिर नीचे, फिर ऊपर। ऐसे आपने 10 बार करना है। कट। इसके भी 10 सेट लगाने हैं आपने। 5 सेकंड होल्ड करना है ऐसे आपने। बिल्कुल ऊपर तक लेकर आना है। फिर दूसरी लेग को। पांच सेकंड होल्ड करना है। ऐसे आपने 10 बार करना है, 10-10 बार दोनों लेग्स की। इसके भी आपने 2 सेट लगाने हैं। थैंक यू। कट। इसके आपने 10-10 के 3 सेट लगाने हैं। होल्ड करना है 5 सेकंड, फिर स्ट्रेट,
फिर होल्ड करना है ऐसे, फिर स्टेट, फिर ऐसे करना है, फिर स्टेट, फिर होल्ड करना है, फिर स्टेट, फिर होल्ड, फिर ऐसे स्ट्रेट, कट। होल्ड करना है, फिर ऐसे, फिर होल्ड करना है, होल्ड करना है, फिर रिलीज, होल्ड, फिर रिलीज, होल्ड, फिर रिलीज, फिर होल्ड, रिलीज, 10 बार करना है, 3 सेट 10 10। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।